की प्रो लाइट, एलईडी रिंग लाइट। तो करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। ये स्टैंड है कुछ इस तरीके का, लाइट भी कम हो जाती है कि बहुत ही फेमस है और सभी लोग बहुत अच्छा लगता है। अपने को मोबाइल के, मोबाइल से अगर अपने को सीख कर निकलते हैं ना दिल्ली का है। ये लिया हमने SNK का हेलमेट। जो मिनी ट्राइपॉड आप देख रहे हैं इसकी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की है लिमिटेड। ये वो बॉक्स है, इसका आप लोग का मैं मस्ट बी अपडेटेड बिफोर दिस एक्सपीरियंस, अपडेटेड बिफोर यू कैन यूज इट। तो गाइस फाइनली करेंगे अपनी पहली अनबॉक्सिंग वीडियो, जो है कि प्रो लाइट एलईडी रिंग लाइट, और जो कि मैंने खरीदी थी दिल्ली से। तो लेट्स गो, इसको करते हैं अनबॉक्स। निकलता है ये, ये निकले इसमें मैनुअल, एक निकला था कि ये निकला कि इसका सेटअप करते हैं। और इसी के साथ मुझे मिला था प्रो लाइट स्टैंड लाइट के साथ ही, और ये टोटल इसकी कॉस्ट पड़ी थी अराउंड 3000 रुपीज़, जो कि ऑनलाइन तो काफ़ी महंगी है, बट डायरेक्टली दिल्ली कैमरा मार्केट चांदनी चौक में मैंने लिया था तो मुझे काफ़ी चीप पड़ा। तो करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। तो लाइट क्लियर हो, आज के बाद सारी वीडियोस क्लियर आने वाली हैं क्योंकि एलईडी लाइट अपनी आ गई है। तो गाइस ये स्टैंड है कुछ इस तरीके का, इसमें लाइट भी कम हो जाती है, ये बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं और कम करना चाहे कम कर सकते हैं। और येलोइस और बढ़ा सकते हैं, और ये वाइट ब्राइटनेस। तो बताइए कैसा लगा। ये है अपना एलईडी बॉक्स, जो कि बहुत ही फेमस है और सभी लोग बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अगर आप बाइक राइड करते हो। तो ये भी मैंने ख़रीदा है दिल्ली से, इसमें हम लोग हेलमेट भी रख सकते हैं और वाया मोबाइल से कनेक्ट भी हो जाता है, और इसमें फिर चमकते हैं ऐसे लाइट्स। इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो वैसे करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। निकलता है कुछ इस तरीके का बैग, ये एलईडी राइडर्स बैग। निकला है एक बैग, ये निकली है मैनुअल कुछ, इसमें दिया गया है बारकोड टू स्कैन, और इसमें होती है एक USB, ये निकली है USB।
लगाते हैं इस पे पावर बैंक। और ये इसकी एलईडी लाइट्स स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके का डिफॉल्ट है। फिर बाद में आप अपने इसको ब्लूटूथ से इसके सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके आप जैसा चाहें वैसा सेट कर सकते हैं, वरना ये डिफ़ॉल्ट में यही रहेगा। तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा एलईडी बॉक्स। और ऑनलाइन अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये लमसम पड़ता है 14,500 लाइक दैट, बट मैंने ख़रीदा है इसको करूर बाग से एंड मुझे कॉस्टिंग पड़ा है करीबन 8,500 रुपये विद बाहर की नहीं। और वहीं से मैंने हेलमेट ख़रीदा था तो उसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें मैंने अपना नाम भी दिया हुआ है UP75 छाबड़ा, जो कि मेरे चैनल का नाम है, उसको भी मैं सेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी आप चाहें जैसा चाहें लिखना वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू। तो गाइज वहीं से लिया था मैंने अपना ये ट्राईपॉड, जो कि मेरी ट्राईपॉड है, इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। अपने को मोबाइल केस, मोबाइल से अगर अपने को शूट करना हो तो निकल जा, निकल क्यों नहीं रहा, दिल्ली का है ना, शायद इटावा आ गया, उसको अच्छा नहीं लग रहा निकलना, अपने दोस्तों यारों को छोड़ के आया। कोई नहीं, हम भी जीतती हैं, इसको बैग से निकाल देंगे। ट्राइपॉड, तो ये है ट्राईपॉड और काफ़ी अच्छा है। कैसा लगा? तो बाकायदा हम लोग बैठ के शूट भी कर सकते हैं। ये लिया हमने SMK का हेलमेट, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये निकलता है कुछ इस तरीके का और SMK हेलमेट, इसके अंदर निकली कुछ सीरीज और क्या है, और निकला है एक कीरिंग फॉर दिस। ये लिया है बताइएगा हेलमेट कैसा लगा। एंड ये है ISI मार्क विद SMK डॉट, जो भी टू व्हीलर हेलमेट जो भी रिक्वायरमेंट है इसका, आई डोंट नो, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा फर्स्ट हेलमेट है जो मैंने ख़रीदा है दिल्ली ही करोल बाग से, और इसकी कॉस्टिंग मुझे अराउंड 4,000 पड़ी है। ये सबसे पहला मेरा डिवाइस था Insta360 जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास फर्स्ट एक्सपीरियंस था मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने का। और दूसरा जो मिनी ट्राईपॉड आप देख रहे हैं जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की है इन द मिडिल, क्योंकि उससे ही मैंने इंस्टा अटैच किया है, तो फिर इसके लिए उसकी भी अनबॉक्सिंग नहीं बनाया क्योंकि ट्राईपॉड्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं सारे। अब जो चीज़ मेन है सरप्राइज़ वो ये है कि जिसका आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट करके मैसेज कर रहे थे कि भैया ये लो ये लो ये लो, तो फाइनली वो भी चीज़ अपने पास आ चुकी है, उसकी भी करेंगे अनबॉक्सिंग। तो गाइस फाइनली ये वो बॉक्स है जिसका आप लोग मुझे हमेशा कमेंट करते थे भाई ये लो ये लो ये लो, और आपके भाई ने लिया है वन ऑफ द लेटेस्ट GoPro Hero 12।
इसके साथ क्या क्या मिला है, इसको भी फाइनली अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से। तो गाइज इसमें निकला ये बॉक्स, सॉरी, जिसमें था यू कैनॉट योर कैमरा मस्ट बी अपडेटेड बिफोर दिस एंड समथिंग गो एक्सपीरियंस। और जल्दी से करेंगे कुछ मैनुअल्स, स्टिकर्स, और ये इसका मैनुअल्स, और ये है अपना फाइनली GoPro Hero 12। योर कैमरा मस्ट बी अपडेटेड बिफोर यू कैन यूज इट, अपडेट करना पड़ेगा इसको। तो ओपन करेंगे इसको अनबॉक्सिंग। स्टिकर काफी चिपका हुआ है तो इसको कर लेंगे बाद में, बाकी ये है इसको करते हैं। ये करते स्टार्ट। तो इसने दिए कुछ अलग से डाट टेबल, और ये एक और ये इसकी बैटरी। तो गाइस ये है GoPro Hero 12 ब्लैक कलर, और इसकी ये है बैटरी। इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन इसको अपडेट करना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसा होगा। मैंने सही डाला है कलर, डाला है मुझे नहीं आइडिया। ये तो इसको करेंगे स्टार्ट। बंद करते हैं इसको इंग्लिश। एग्री। इंसर्ट एसडी कार्ड, और इसके साथ हमको एसडी कार्ड नहीं मिला है, तो हम लोग एसडी कार्ड लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा भाई का सरप्राइज? भाई GoPro लिया, उसका केस नहीं लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी मैंने दिल्ली से ही ख़रीदा था, ऑनलाइन काफ़ी महंगा शो कर रहा था, और मुझे अराउंड ये पड़ा 800 रुपीज़। बताना भाई ठगे तो नहीं गए? उसको अनबॉक्स करते हैं। उसने मुझे कहा था 912 सबका एक ही है, मुझे नहीं आइडिया क्या एक है क्या गलत। ओके ये कवर है, कैसे अनबॉक्स होगा वैसे। ठीक है, और भाई फाइनली अपने को खोलना आ गया ये बॉक्स। मैं बड़ी देर से परेशान था, तो इसको करेंगे अपन राइट, और फिर इसको करेंगे ऐसे लाइक दिस, इट विल ओपन एंड रेडी टू गो। करेक्ट, देखो क्या ठग दिया क्या दिल्ली वालों ने। आई थिंक सो ठग दिया है क्या क्या, आई डोंट नो, नहीं ठगा तो नहीं है, लॉन्गली सेम साइज टाइट तो हो गई। ये हो गया सेट, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है, नो आइडिया, ठग लिया क्या? हाँ इसको चिपका दिया, सो दिल्ली वालों ने मुझको चिपका दिया GoPro 9 का बोल के, 10 11 सभी में एक ही होगा, और ये काम नहीं किया। कंट्रोल कंट्रोल।